अभी संवत 2492 चैत्र सुद बीज गुरुवार तारीख 24/3/66 दिने पूज्य श्री गांधी स्वामी नो श्री इष्टोपदेश ना श्लोक 10 ऊपर स्वर्णपुरी मा प्रवचन सरंग प्रवचन नंबर 9 नमो नोये सौरियंतानम नमो नोये सौदानम नमो नुरी सौरियान नमो नुरी सौजायनम नमो नुरी सौ त्रिकालवर्ती सावनम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिन कामद मोक्षद से ओंकाराय नमो नम मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोस मंगल नम समय साराय स्वानुभूत्या चास्ते स्वाय भवाय इष्टोपदेश 10वीं गाथा चली 11 में 11 यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है कि स्त्री आदियों में राग और शत्रु में द्वेष करने वाला पुरुष अपना क्या हित बिगाड़ करता है। शिष्य का प्रश्न है कि अपना शिवाय स्त्री आदि पर पदार्थ में राग प्रेम करे और जिसको एक प्रति प्रेम है तो दूसरा प्रति द्वेष होता ही है। आया आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप का भान हो, सम्यक दृष्टि को मैं ज्ञाता हूँ मैं दृष्टा हूँ तो कोई पदार्थ उसको प्रेम करने लायक द्वेष करने लायक जगत में पदार्थ है ही नहीं है। मैं राग जो एक प्रति राग प्रेम करे तो समझना कि दूसरा प्रति उसको द्वेष है ही। समझ में आया, राग ने द्वेष में जोड़ ली जोड़ है अकेला नहीं। वो क्या कहते हैं, जरी सूक्ष्म बात है कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप शुद्ध चिदानंद आत्मा है तो उसका भान हुआ तो मैं तो ज्ञाता दृष्टा चैतन्य हूँ, मेरे शिवाय जो अन्य पदार्थ अनंत है वो मेरा ज्ञान में ज्ञेय है, जानने लायक है। ऐसा धर्मी जीव को, सम्यक दृष्टि को, सत दृष्टिवंत को अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव ज्ञान आनंद रूप है ऐसी दृष्टि हुई है तो उसको अपने शिवाय अनंत पदार्थ का दो भाग करते नहीं। एक इष्ट है एक अनिष्ट है ऐसा भाग सम्यक ज्ञानी करते नहीं। मिथ्या दृष्टि अपना स्वरूप ज्ञान में शुद्ध है ऐसा भान नहीं, ऐसा अज्ञानी प्राणी जगत का सब पदार्थ ज्ञान में नई तरीके होते छते हैं। एक ठीक है प्रेम करने लायक है, एक अठीक है देश करने लायक है, ऐसा दो भाग मिथ्या दृष्टि पाड़ते हैं। वो बात कहते हैं, जरी सूक्ष्म बात है थोड़ी, समझ में आया। हमारे तो आप पदार्थ, हमारा देश, हमारा गांव, हमारी नात, ऐसा जिसको प्रेम है उसको उससे विरोध पदार्थ ऊपर द्वेष होता ही होता ही नहीं होता है। समझ में आया। ये कहते हैं, देखो कहते हैं कि इसमें बिगाड़ क्या हुआ, कोई स्त्री आदि प्रिय पदार्थ है, शरीर प्रिय है, उसमें प्रेम करना और दूसरा पदार्थ उससे विरुद्ध है, अनुकूल नहीं पड़ते हैं, उसमें द्वेष, उसमें बिगाड़ क्या आया।
जिससे उनको अकरणीय न करने लायक बतलाया जाता है। इसका प्रश्न है कि जिसको तुम राग द्वेष नहीं करने लायक है ऐसे आप बताते हैं तो इसका हेतु क्या है? उसका समाधान, राग द्वेष द्वयी दीर्घ निद्राकर्षण कर्मणा अज्ञानातु सुचिरम जीव संसाराब्धो भ्रमति असो। बड़ी सूक्ष्म बात है जीणी, हम राग द्वेष एम नहीं, समझ में आया? कहते हैं देखो उसका अर्थ है ना, वो बड़ी यह जीव अज्ञान से जो क्या से लिया है अर्थ अर्थ जीव अज्ञान से मिथ्या दृष्टि से, जिसकी दृष्टि मिथ्या है कहाँ है? हमने ठीक तरफ बोला तो नहीं जीव अज्ञान से अर्थात अपना स्वरूप ज्ञान मूर्ति जगत का ज्ञाता दृष्टा है, कोई अपने से भिन्न चीज अपने में प्रिय के अप्रिय है ऐसा है नहीं। ऐसा होते छते अज्ञानी राग द्वेष रूपी दो लंबी दूरिया, समझे? बोले मैं तो मंथन नो दाखला है पूछो समुद्र नो बोले मेरु पर्वत मंथन के नहीं तो अनुमति में बात आते हैं ना, अनुमति में मेरु को बड़ा मंथन किया था ऐसे लंबी दूरी, तो मेरु पर्वत ने जार करे ना ऐसा तो लंबी दूरी चाहिए ने, तो संसार में रुलने की अज्ञान से राग द्वेष रूपी दो लंबी दूरिया खींचता से संसार रूपी समुद्र में बहुत काल तक घूमता रहता है। देखो मेरी सूक्ष्म आचार बात ऐसा करते हैं, परिवर्तन करता रहता है क्या कि अपना स्वरूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप को भूलकर शरीर ठीक हो तो मेरे ठीक है, मेरा देश को ठीक हो तो मेरे ठीक है, मेरा कुटुंब को ठीक हो तो मेरे ठीक है, ऐसा जो अज्ञानी राग करते हैं मिथ्या दृष्टि का राग लिया है यहाँ, समझ में आया? हमारा देश सुखी हो तो बस, समझ में आया? इस साधु नाम धरा कर उसको हम संप्रदाय तो बहुत प्रेम ने तो आम माने के पर को लक्ष्मी लक्ष्मी हो तो पाप होगा, समझे? पर संप्रदाय का राग तो उसके साथ जवाब ऐसा दिया हमारा संप्रदाय का साथ सब सुखी हो तो हम ठीक है, जवाब देते थे सेठ को मैं जुराहा को क्या करते समझ में आया? हमारा संप्रदाय का सावक शायद का सब सुखी हो तो अच्छा, उसका अर्थ कि अपना जिसको माना मिथ्या दृष्टि से कि अपना है ही नहीं कोई, सावक के सारिका संप्रदाय अपना है ही नहीं, बराबर अभी कब नहीं क्या करुणा वाला है मिथ्या है हम कहते हैं कैसे खाए उसको ऐसा कि हमारा कुटुम्ब हमारा स्त्री आदि सब सुखी हो ठीक, ऐसा जो राग है वो मिथ्या दृष्टि का महान मिथ्या पाप की भूमिका में ऐसा राग होता है, समझ में आया? क्योंकि उसने जगत की चीज जो ज्ञेय तरीके एक रूप है, आत्मा ज्ञाता तरीके एक रूप है, वस्तु ज्ञेय तरीके एक रूप है, उसमें दो भेद है नहीं,
अज्ञान ये अपना ज्ञान स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान छोड़ दिया और ज्ञेय तरीके एक चीज सब है जानने लायक, उसने दो भाग कर दिया। हाँ ठीक है, उसमें प्रेम करना, वो तो उसका प्रेम हुआ तो उससे विरुद्ध में द्वेष हुए बिना रहते, क्योंकि राग के पेट में द्वेष पड़ा है। समझ में आया? ईश्वर क्या कुटुंब है? ईश्वर विभिन्न चीज है, वो पहले धीमे धीमे आने वाला था, पर तुम पहले ले लिया। विश्व क्या अपना शिवाय क्या दूसरी विश्व चीज अपनी है? सार चीज को तो पहले कह दिया, अपना स्वरूप ज्ञान ज्ञाता दृष्टा छोड़कर अनंत जो चीज है वो जहाँ ज्ञान में इष्ट अनिष्ट करने लायक है ही नहीं, बराबर सब चीज ज्ञान में जानने लायक है। कोई दो नहीं, सारा आत्मा उसने आत्मा प्रति विकल्प आते हैं प्रेम का दूसरा बात, पर वो प्रेम ही अच्छा है ऐसे मानने वाला पर प्रति द्वेष करी बिना रहेगा ही नहीं, राग नहीं। आई तो कहते हैं कि स्वरूप आत्मा का ज्ञान स्वरूप शुद्ध चिदानंद है, उसका जिसको दृष्टि नहीं वो अपने शिवाय दूसरा पदार्थ को कोई को प्रेम करते हैं तो कोई प्रतिद्वेष वो किए बिना रहेगा ही नहीं। समझ में आया? हैं? या बगार था अज्ञान नो राग द्वेष नो एम कहते अज्ञानी को ऐसा राग द्वेष करने से अपना चैतन्य का खून होता है। क्या कहते हैं? हिंसा होती है अपनी, दूसरे की कौन कर सकते हैं? हे धर्मचंद जी देखो, अज्ञान से राग द्वेष रूपी लंबी डोरी, एक ऊपर प्रेम करते हैं तो दूसरा ऊपर द्वेष आया बिना रहेगा या नहीं? विश्व ऊपर प्रेम करे अपने शिवाय तो विश्व प्रति प्रेम नहीं करेगा कोई प्राणी, उसका ऊपर द्वेष आया बिना रहेगा ही नहीं। समझ में आया? हाँ, विश्व प्रति प्रेम करते नहीं, सारे प्राणी अपने सरका है, सरका का अर्थ क्या? समझ में आया? सरका का अर्थ क्या? तुम ज्ञान है वो सब ज्ञे है, बस ऐसा सरका है। हम सब प्रेम करने लायक अपने शिवाय दूसरी चीज तो प्रेम मान्या तो मिथ्या दृष्टि जीव, उससे विरोध कोई प्राणी सर्व प्रति प्रेम नहीं करेगा, उसका प्रति द्वेष करे बिना रहेगा नहीं। समझ में आया? मेरी सूक्ष्म बात है। आज ही मेरे प्रेम से रक्षा करने लायक है ऐसी जिसको बुद्धि हुई, मिथ्या दृष्टि की ऐसी बुद्धि है, मनोजरी जनी बाप है। आज ही मेरा प्रेमी है अने प्रेम से मेरा अंग है और मेरे रक्षा करने लायक है, ऐसा हुआ तो राग में मिथ्या दृष्टि के राग में द्वेष शक्ति पड़ी है अंदर। आया जब प्रतिकूल उसका जो दूसरा दुश्मन होगा उससे विरोध, उसका ऊपर द्वेष आया बिना रहेगा या नहीं? समझ में आया? हाँ, ऊंडा नहीं बात करे जा, वो तो बात करते हैं अज्ञानी ना राग द्वेष नहीं बात करते, ज्ञानी का राग द्वेष है ही नहीं। ज्ञानी को थोड़ा जो राग आदि होता है उसका एक तरीके जानते हैं, राग का राग नहीं, द्वेष का द्वेष नहीं, राग आदि विकल्प होते हैं थोड़ा, उसको सम्यक दृष्टि जानते हैं कि है इतना ठीक है, ठीक उसमें कोई है ही नहीं। समझ में आया? धर्मी जीव को जब शुभ राग आता है तो जानते हैं, और शुभ आता है जान शुभ राग ठीक ना शुभ राग ठीक, वो मिथ्या दृष्टि मानते हैं।
समझ में आया? सूक्ष्म बात है, एक बाजू राम ने एक बाजू काम, भगवान आत्मा सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप ही प्रभु, उसको दूसरी कोई चीज प्रेम करने लायक जगत की कोई चीज नहीं। समझ में आया? प्रेम करने लायक जो कोई पदार्थ में माना तो दूसरा उससे विरुद्ध में द्वेष करे बिना रहेगा नहीं। तो राग द्वेष करना वो आत्मा का स्वभाव है नहीं। थका वो राग द्वेष करते हैं, वो मिथ्या दृष्टि राग द्वेष का करता होकर नया कर्म बांधते हैं, इन 84 में रुलते वो बात करते हैं जी। समझ में आया? बहुत सूक्ष्म बात है। ऐसे ऐसे राग करना नहीं, राग करने आए हम नहीं। रामचंद्र जी जगत का तो भाग पार देख, आ हमारा देश तो उसका प्रेम है तुमसे विरुद्ध, देश में द्वेष हुए बिना रहे ही नहीं। समझ में आया? मूंड है वो प्राणी, हम कहते हैं यहाँ मूंड तो आगे दुनिया ही मूंड है। डांडा ने अस्पताल में पागल में पागल ही होता है सब। पागल की अस्पताल में कोई दया होता है समझू? समझ में आया? डॉक्टर दया हो तो बिन पड़ी जाएगा। अस्पताल हमारी न्यूनतम जुदा है, हम तो उसकी क्रिया करने वाला है ऐसा माने। समझ में आया? ये हमारा ऐसे नहीं मानते हो आप पागल, हमारा ना पागल ठीक थोड़ा है तो हमारा हम नहीं है। वो कहते हैं कि पागल को डाया करना क्या कि वो ज्ञान स्वरूप है ऐसा निश्चय करो, और कोई पदार्थ तेरे प्रेम और द्वेष करने लायक जगत में नहीं। वो पागल में से डाया करने की रीत है। डाया केतन क्या कहते हैं? होशियार त्यागी नाम धरा कर, साधु नादि श्रावक नाम धरा कर, पर जो उसको ऐसे आया का शरीर ठीक हो तो मेरे ठीक होगा धर्म, मूंड मिथ्या दृष्टि ऐसे कहते हैं। ऐसा नहीं साध राज्य राज्य ऐसे नहीं, आत्मा है वो शरीर है, तो शरीर निरोग होगा तो मेरे से दया पड़ेगा, ऐसी जिसकी मान्यता है मूंड मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि का राग है। कौन दया पालते दूर पर की? क्या है आई अंदर है शक्ति व्यक्ति शब्द पड़ो से ना, शक्ति व्यक्ति नो अर्थ ये है, राग करते हैं तो शक्ति रूपे द्वेष है ही, द्वेष करते हैं तो शक्ति रूपे राग है ही, व्यक्ति रूपे बोले राग दिखाए अंदर प्रेम एक प्रति कहा हा हा भाई बहुत प्रेम है, तो ये इस शक्ति में द्वेष उसमें पड़ा ही है अंदर लिखा है। समझ में आया? खबर नहीं क्या राजवीर किस प्रकार से कैसे होता है, ज्ञानी सम्यक दृष्टि को धर्मी को तो राजवीर खरे कर होता ही नहीं। थोड़ा अपनी कमजोरी से जो राग आदि आता है धर्मी को तो राग का राग नहीं पर राग का ज्ञान करते हैं। समझ में आया? और अज्ञानी को जो मिथ्या दृष्टि मूंड जीव है उसको कोई पर एक प्राणी आ दया के पालने लायक मेरा जी मेरे रक्षा करने लायक आओ ऐसा राग है वो मिथ्या दृष्टि का राग, क्योंकि उसमें राग हुआ तो दूसरा प्रति द्वेष आया बिना रहेगा ही नहीं। वसंत लाल जी जीव अज्ञान से राग द्वेष रूपी दो लंबी दूरियां, जो लंबी एटले अनंतानुमंदी ना राग द्वेष ने बात से भाई
સમજાય છે કઈ? દાખલો બોલામાંથી આપ્યો મેરુ પર્વત, પણ આમાં ટીકામાં નથી. લંબી દૂરી અનાદિ સે ખીંચતાની, એક રાગ હમારે આ પ્રાણી રક્ષા કરને લાયક હે. આ દેશ હમારા હૈ, આ શરીર હમારા હૈ, આ સ્ત્રી હમારી હૈ. એસા પ્રેમ તો ઉસમે દેશ કા ભાવ આયા બિના તો ખીંચતાની સે. દો દોરી કી ખીંચતાની, રાગ દ્વેષ રૂપી દો દોરિયા. સંસાર રૂપી સમુદ્ર મે, સંસાર રૂપી દરિયા મે બહુત કાળ તક ઘૂમતા રહેતા હૈ. 84 ના અવતાર માં ખરખડી જાય, પરિવર્તન કરતા રહેતા હૈ. સમજ મે આયા? જો દ્રવ ક્ષેત્ર કાળ ભવને ભાવ પંચ પરાવર્તન રૂપ સંસાર, સંસાર આ રૂલને કા આત્મા કો વિષદ અર્થ હે ને, વિષદ અર્થ, વિષદ અર્થ કર્યું છે. વિષદો આ જગત મે આત્મા સિવાય અનંત રજકણો હૈ, ઉસકા સંબંધ મે રૂલના ઉદ્રવ સંસાર પરાવર્તન હૈ. ઓર આત્મા 14 બ્રહ્માંડ મે દરેક ક્ષેત્ર મે જન્મ લેના ઓર મરના ઓ ક્ષેત્ર પરાવર્તન હૈ. કાળ પરાવર્તન દરેક સમય મે અનંત બેર ઉપજના ને મરના ઓ કાળ પરિવર્તન હૈ. ભવ નરક મનુષ્ય ઢોર સ્વર્ગ એસા ભવ કરતા અનેક કરના ઓ ભવ પરાવર્તન હૈ. ભાવ શુભ ને અશુભ ભાવ, દયા દાન વ્રત પરિણામે શુભ હિંસા જુઠું અશુભ, એમાં રૂલના ઉમર એ મેરા એસા માનકર રૂલના ભાવ પરિવર્તન સંસાર હૈ. સંસાર સંસાર નહીં, સ્ત્રી પુત્ર સંસાર હૈ. સંસાર ઉસકી પર્યાય મેં અજ્ઞાન ને રાગ દે એવું સંસાર હૈ. સ્ત્રી પુત્ર સંસાર હો તો ક્યાં હૈ? મૃત્યુ કાળ મેં દેહ ની સ્ત્રી પુત્ર તો અહીંયા રહેગા, તો વો સંસાર હૈ તો અહીંયા સંસાર પડે રહેગા, ચલે જાયગા તો ઉસકો મુખ્ય મોક્ષ હો ગઈ. સંસાર કા અભાવ હો ગયા મોક્ષ હોગા. શરીર સંસાર હો, સ્ત્રી કુટુંબ હો, પૈસા સંસાર હો, તો ઉસકા અર્થ એસા હુઆ ક્યાં દેશ છૂટા સંસાર છૂટ ગયા, આ સબ છૂટ ગયા સંસાર છૂટ ગયા મોક્ષ હો ગયા. પણ એ સંસાર હે નહીં, એ વાતે જૂઠી હૈ, સારા નસર ની વાત નહીં. અહીંયા એ સંસાર હે નહીં, સંસાર અપના જ્ઞાન સ્વરૂપ કી શ્રદ્ધા છોડ કર મેં પરકા કર સકું પર મેં પ્રેમ પર મેં દ્વેષ એસા મિથ્યા સહિત કા ભાવ, ઓ મિથ્યા દ્રષ્ટિ કા ભાવ, ઓ સંસાર હૈ. સંસરણ વીતિ સંસાર હો, સંસાર કી વ્યાખ્યા હોય. અપના જ્ઞાનાનંદ સચિદાનંદ સિદ્ધ સમાન સ્વરૂપ ઉસકો ભૂલ કર સંસરણ ખસ જાના હટ જાના, ઓર રાગ દ્વેષ મે પ્રીતિ કરના, રાગ દ્વેષ ઠીક હૈ એસી માનના, ઓઈ સંસાર ને પરિભ્રમણ કા મૂળ હૈ. વો તો દેહ છૂટતે ચલે જાતે લેકર, વો ચીજ તો પડી રહેતી હૈ, વો ચીજ સંસાર નહીં. સમજ મે આયા? પંચ પરાવર્તન સંસાર જીસે દુઃખ કા કારણ, દેખો સંયોગ દ્રવ ક્ષેત્ર કારણ ભાવ ને ભાવ, ભાવ એટલે પુનપા ભાવ, શુભ કે અશુભ ભાવ દો સંસાર હૈ. સંસાર ભાવ હૈ પુણ્ય ને પાપ, શુભ ને અશુભ, દયા દાન વ્રત પરિણામ શુભ હૈ હિંસા જુઠો શુભ, દો સંસાર હૈ. દેખો ભાવ મેં ક્યાં આયા? સમજ મેં આયા? દ્રવ નામ ચીજો કા સંબંધ, ક્ષેત્ર નામ એક એક જગ્યો મેં અંતવાર જન્મ મરણ, કાળ મેં સમય સમય મેં, ભવ મેં ગતિ મેં નારક દેવ મેં, અને ભાવ મેં શુભાશુભ ભાવ મેં. પંચ પરાવર્તન રૂપ એ પંચ મેં વારંવાર પરાવર્તન કરકે ચાર ગતિ મેં રૂલતે હૈ.
समझ में आया? ये क्या कर्म परम नहीं बातें क्या है? कर्म क्या रख रहा है? तो जड़ है, तो गिने ही है, ज्ञान में गिने ही है। ज्ञान में कर्म हमारे नुकसान करेगा या फिर मानता मिथ्यास है? वो तो परद्रव्य है। परद्रव्य में द्वेष करना तो दूसरा में राग है ही। राग भी दो ही शक्ति पड़ी मिथ्यास में। समझ में आया? संसार पंच परावर्तन रूप संसार, एमा भाव जो है भाव संसार, शुभ अशुभ भाव विकल्प उठना, उसकी दया पाऊं, उसको मारूं, उसकी रक्षा करूं, उसकी संभाल करूं, ऐसा जो भाव का उत्थान होता है, उत्थान अंदर में से वृत्ति उठती है, शुभ के अशुभ दो ही संसार परिवर्तन है। ये आत्मा का स्वभाव है ये नहीं। समझ में आया? बात है भाई। पंच परमिष्टि प्रत्यय राग वो अस्थिरता का है, उसमें नीचे से राग करने लायक ऐसा सुंदर दृश्य मानते नहीं, पर राग थोड़ा है तो इससे प्रतिकूल जो है खुद ही कुगुरु पर थोड़ा द्वेष भी है, पर वो राग ने द्वेष ज्ञानी को ज्ञेय तरीके है। समझ में आया? पंच परमिष्टि देवगुरु शास्त्र प्रत्यय का प्रेम, सम्यक दृष्टि को वो प्रेम, तो उससे विरोध कुदे को गुरु पर जरी द्वेष का अंश है, तो वो राग ने द्वेष अपना ज्ञाता का विनय है, अपना मानते नहीं, अपने से हुआ नो लाभ है से मानते नहीं। समकी हूं मान तो आवे माने से कौन अपना मानना, अपना स्वरूप का वही मानता है, पर का स्वरूप का राग आता है, व्यवहार समकित है, पर वो ज्ञान का ज्ञेय है। राग है उससे मेरे लाभ है, और राग किया तो मैं ठीक किया है, मिथ्या दृष्टि है। समझ में? हाँ, वो माके तक इष्ट उपदेश कौन धर्म ये विकल्प का अस्थिरता है, दूसरी बात है अंदर में नहीं, ज्ञाता तरीके जानते हैं, सच्चा कर झूठा हो ज्ञाता तरीके जानते हैं। समझ में आया? पान जब जब लग अस्थिरता है तब लग राज शुभ आते हैं, और उस समय जनी द्वेष का अंश भी है, हम दो ही को अपना स्वरूप में एकत्व नहीं करते हैं। अज्ञानी तो उसमें पड़ा है, राग किया हुई मैं ठीक किया, तो द्वेष हुई बिना रहेगा नहीं, वो भी मैं ठीक करता हूँ। हाँ, खातों जुदू पहले बिना तेरा छुटकारा नहीं होगा, एम कहते हैं। समझे आया? हमारे एक नानी भाई सन है, बेचारे नानी भाई ने लोच करता था, लोच मन में केव लगे थे, जेटलो रोटली खाता राग एटलो अत्यारे द्वेष थाय छे। लाठी में एक चमचो कर त्या पहलो केम लगे छे, रोटला दाल भात वक्त जेटलो राग थाय छे ने एटला प्रमाण में द्वेष थाय छे। तरंगबाजी वो था सही हो, तरंगबाजी वो होता, बहुत तरंगबाजी, थोड़ा थोड़ा मैं तर्क करे वो तर्क करे ने समझा कहीं लाठी मामली धर्मशाला है ना, व्याख्यान मात्रा जो त्या मेरी पर नहीं पड़ के धर्मशाला नहीं पाए दरवाजा पाए यहाँ व्याख्यान मात्रा जता ना पजू सुना को मान पाए ना केम थे दाल भात शाक खाता जेटली होती एना पर खेचाती थी रागनी
એટલી જ અહીંયા ખેંચવામાં દ્વેષ નિવૃત્તિ આવે છે. સમજાય છે કાય? બીજી રીતે કહીએ કે આત્મા જ્ઞાતા સચિદાનંદ સ્વરૂપ શુદ્ધ હૈ, ઉસમેં કોઈ પણ ચીજ મે રાગ કરને લાયક હૈ એસી ચીજ આત્મા મેં નહીં, તો કોઈ પણ ચીજ દ્વેષ કરને લાયક હૈ આત્મા મેં નહીં, એક વાત. અને સામી ચીજ અનંત હૈ ઉસમેં દો ભાગ નહીં, કા ઇષ્ટ હૈ ને અનિષ્ટ હૈ એસા ઉસમેં દો ભાગે નહીં, વો તો જ્ઞેય તરીકા હૈ જગત કા પદાર્થ. તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ અપના સ્વરૂપ કા ખૂન કરને વાલા મેં જ્ઞાન હું એસે ન માન કર જગત કી ચીજ જ્ઞેય તરીકે એક રૂપે જાનના ચાહીએ ઉસકા દો ભાગ પાડ દેતે હૈ. અનુકૂળી ઠીક હૈ પ્રતિકૂળી ઠીક, એસા રાગ દ્વેષ કરતે મિથ્યા દ્રષ્ટિ કા રાગ દ્વેષ કહેને મેં આતા હૈ. સંન્યાસ દ્રષ્ટિ કો જો રાગ દ્વેષ જરી હોતા હૈ વો ચીજ કો ઠીક ઠીક માનકર જ્ઞેય કા દો ભાગ કરકે રાગ દ્વેષ નહીં હોતા. એ કન્વેય આ હું તમારી લાઠી ની વાત કરી, અમલીક નહીં બોલો કઈ બાદ ની ધર્મશાળા કઈ એ ખબર નથી કોને. આ વ્યાખ્યાન માત્ર મોકલ છે તો તમામા પંચ્યાસી માં પેલા દરવાજા પાસે પંચ્યાસી હાલ ત્રિવર ત્યાં સમજાણું કાંઈ. અરે અહીં તો આચાર્ય જરી બહુ સૂક્ષ્મ રીતે રાગ દ્વેષ ની વ્યાખ્યા કરતા હૈ. સમજમાં આયા? ક્યાં દેખો કે જીસે જ્ઞાની કો ધર્મી કો લડાઈ કા ભાવ ભી હોતા હૈ. સુનો, સમ્યક દ્રષ્ટિ કો ઓર છન્નો હજાર સ્ત્રી કા વૃંદ મે ભોગ લેને કી વૃત્તિ આતી હૈ. સુનો, ઓ વૃત્તિ કી વાસના મેરે ઠીક હૈ એસા નહીં હૈ, એ વૃત્તિ સે એકત્વ ભિન્ન કર દિયા હૈ, મેં જ્ઞાનાનંદ મેં એકત્વ હુઆ હૈ રાગ સે ભિન્ન કર દિયા હૈ, તો ઓ સમય મેં ભી રાગ સે પૃથક હૈ સ્વભાવ સે એકત્વ હૈ. સમજમાં આયા? અજ્ઞાની ઓ રાગ કે છોટા છોટા દયા કા રાગ કે કાળ મેં ભી મેરે ઉરક્ષા કે લાયક હૈ મેરે પ્રેમ કે લાયક એસા રાગ કરતે હૈ. રાગ ને જ્ઞાન એક માન કર પર ચીજ મેં દો ભાગ પાડતે હૈ વો મિથ્યા દ્રષ્ટિ કા રાગ હૈ. ભાઈ વો મુજે પ્રેમ કે ભાઈ ચીજ એસી હૈ શક્તિ રૂપ વ્યક્તિ કીધી મેં દલાઈ દઉં શું કહેતા જૈનંદ્ર માઈ શક્તિ વ્યક્તિ રાગ વિષય શક્તિ વ્યક્તિ રૂપ થયા યુગપદ પ્રવૃત્તિ જ્ઞાપનાર્થમ દ્વૈ ગ્રહણમ. દ્વૈ શબ્દ પડ્યો છે ને રાગ દ્વેષ દ્વૈ મૂળ પાઠમાં દ્વૈ પડ્યો છે ને રાગ દ્વેષ દ્વૈ એનો અર્થ એ કરે છે. હા એક સાથે અજ્ઞાની કો રાગ દ્વેષ એક સાથ મેં હૈ, જ્ઞાની કો એક સાથ મેં જ્ઞાતા દ્રષ્ટા હૈ. ક્યાં આતરા હૈ સમજ મેં ના આવે? શક્તિ હૈ ને સ્પષ્ટ છે ને વાત કે વાત શું કે છે. મેં તો વિચારતો હતો તો પંડિત ને પૂછી અમે શું છે ત્યાં તેમાં ખુલાસા આવી ગયા એમાંથી સમજાણો શક્તિ વ્યક્તિ શું કે છે. વાત શક્તિ વ્યક્તિ એ કે આત્મા આનંદ ને જ્ઞાન મૂર્તિ મેં હું એસા ભાન હૈ ત્યાં રાગ ને દ્વેષ શક્તિ વ્યક્તિ રૂપે હૈ નહીં. સમજ મેં આયા? ત્યાં જરી રાગ દ્વેષ થોડા હોતા હૈ ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ ઇતના એક ઉદય પ્રત્યે આદિ દ્વેષ કા અંશ હોતા હૈ વો દો ભાગ નહીં પાડતે. જ્ઞેય તરીકે જ્ઞાની રાગ કો જ્ઞેય તરીકે જાણતે મેં જ્ઞાતા હું એ જ્ઞેય હૈ. જૈસી પરચીજ મેં દો ભાગ નહીં પાડતે હૈ ઈશ્વનિષ્ઠ નહીં એમ શુભ શુભ મેં ઈશ્વનિષ્ઠ કા ભાગ નહીં પાડતે હૈ. જાનને લાયક મેં જાનને વાલા હું ઉસકા નામ જ્ઞાન ધર્મ કો
वो निश्चय करके ज्ञान का धर्म धारा। समझ में आया? और इतना छोड़कर छोटा राग मेरी आजीव को रक्षा करना ठीक है, ये राग मिथ्या दृष्टि का राग है। क्योंकि पर पदार्थ की रक्षा है, पर पदार्थ का नाश आत्मा कर सकते नहीं तीन काल में। पांजरा को कौन कर सकते हैं, कौन करते हैं? योशन लाल जी, क्या अभिमान है अज्ञानी का। वस्तु स्थिति क्या है, वस्तु का सत सत का सत्व कैसा है ऐसे समझे बिना दूसरा का सत्व का अपने में लगा दे। वस्तु का सत कैसा है? भगवान आत्मा ज्ञान सत है, ज्ञान सत्व स्वभाव है, आनंद सत्व भाव है, शांति स्वभाव है, जानना देखना स्वभाव है, बस वो सत का सत्व है। उसमें आगे निकलकर पर में अने पर का सत कैसा है, तो वो है, वो अपना ज्ञान में जानने लायक है, बस इतनी बात है। ईश्वर अतिरिक्त करके दूसरा उसमें खोद डालना, आज ठीक है मेरे प्रेम की चीज है तो दूसरा प्रेम की चीज होकर मिथ्या दृष्टि का अनुसंसार का राग भी उसको उत्पन्न हुआ। समझ में आया? अरे भाई एम तो साधु अनंत हो गया नवमी दिगंबर, क्या हुआ मिथ्या दृष्टि का सावक भी अनंत में हुआ बार बार धार कर, पर वो विकल्प राग आया वो मैं ठीक करता हूँ, मेरी आचरण है, मेरा कर्तव्य है, ऐसे मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। राग का रूप भाग पार देते हैं। समझ में आया? सारी कठिन बात के भगवान है, बता चैतन्य मूर्ति है, आत्मा बादशाह है, अंतर चैतन्य शक्ति से भरा भंडार है आत्मा में, आनंद का भंडार, ज्ञान का भंडार, ज्ञान की कला खिलाए इतनी खिल सकते हैं, केवल ज्ञान प्रकट कर सकते हैं, इतनी ताकत उसमें, राग प्रकट करे इसकी ताकत उसमें है। समझ में आया? क्या उस राग भी भरा है उसमें अंदर स्वभाव में, तो पर पदार्थ में राग है, पर पदार्थ राग कराते हैं, जो पर पदार्थ राग कर पर पदार्थ अनंत टिकाव रहते हैं, तो कभी राग रहित होकर आत्मा वितराग तो हो सके ही नहीं। पर पदार्थ से राग होता है, पर पदार्थ की हैया चित्त टिकाव है, तो जब लग वो रहे तब लग राग को कर दी जाए, नहीं ऐसा है ही नहीं। पर पदार्थ राजवेश कराते नहीं, आत्मा मां राजवेश है ही नहीं। अज्ञान मुंड का मिथ्या भाव पागलपना, ओ पर में प्रेम ने द्वेष करते हैं, पागल मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? सब पागल खड़े करे तो क्या नो सुन करे, बतावे तो नो मिले तो रखने चाहे गति में तो रखने तो गया पहले। द्रव क्षेत्र का पंचम संसार दुख का कारण देखो, और दुस्तर होने से बेबात, ये शुभाशुभ भाव दुख का कारण और निमित्त द्रव क्षेत्र का भाव वो भी दुख का निमित्त है ने? और दुस्तर अनंत अनंत का हुआ समुद्र में रलने से रिखलने अनादि काल है ने, आत्मा नया है अजी तो कितना नहीं खबर नहीं कि आत्मा अहिया आयो संख्या खबर नहीं सारे पांच सात जना जो मैंने था आत्मा आत्मा एकदम शरीर की स्थिति छो आ शरीर में आत्मा जुदो छो आत्मा उम्र न हो शू कह आत्मा उम्र न हो आवलो पंचोतेर वर्ष जो था ना सांभना इन शरीर ने बात हाल कीधु आत्मा ने उमर उमर हो नहीं अरे आत्मा तो सच्चिदानंद अनादि आनंद है बीजा भो मे अयो जाना अँ क्या जाए बीजा रखड़ा करे अनादि थी गए રજ નો દાખલા થાય એમ છે કે આવા હજી માણો પૂણું પામ્યા
અને ગુવાનિયા માણસ ભીણા ભીણા હોય એને એટલું ભાન ન મળે કે આ આત્મા ક્યાંક હતો નથી આવ્યો છે, ક્યાંક થા ઉસમે આયા હે, શરીર ત્યાં પડ્યા રહ્યા, આ શરીર દૂસરા આ પડ્યા રહ્યા, એને યાસે ચલે જાય. એસા તો અનંત શરીર આયા, ક્યુ શરીર આયા દ્રવ, આ રાગદ્વેષ કે કારણ સે. રાગદ્વેષ કેસા કે મિથ્યા કા રાગદ્વેષ કે કારણ સે, કો કહેતે હૈ યહાં કો. સમજ મેં આયા? હમારા દેશ મરના દેશ માટે, હમારા કુટુંબ મરના ઉસ માટે, હમારા શરીર બરાબર રક્ષા કરના, હમારી સ્ત્રી રૂઢમાં ઉપયોગ લે. તમારા કહેતા હતા એ ગેબર ભાઈ પૂછતા હતી અહીંયા, આ શરીરનો સદુપયોગ કેમ કરો? સદુપયોગ થતો જ કીધું શરીરનો, આવા આવા બધા દેવરભાઈ આવ્યા હતા 15 સાલ વર્ષ નેતા ને બધા સમજવા જેવા છે. બધા શરીર આ જળનો સદુપયોગ થતો, આ જળનો માટીનો, આત્મા ભીનચીજ, આ ભીનચીજ, આ ભીનચીજ માં રહેના ન રહેના ઉસકે આધીન હૈ, ઉસકે તેરે ઉપયોગ કર સકતા હૈ ઉસકા. શરીર કા મેં સદઉપયોગ કરું એસી માન્યતા મિથ્યા દ્રષ્ટિ કા રાગ કા તીવ્ર પાપ ભી હૈ, એમ કહેતે હૈ. લોકનો કોણ ભલું કસબ પે ધૂળમાં, સમજમાં આયા? ભલા કા અર્થ ક્યા? દુનિયા એ અપના ચૈતન્ય સ્વરૂપ કો ભૂલ કર મિથ્યાત કે રાગ કે દુઃખી હોતા હૈ, તો ઓહી મિથ્યાત ને ભ્રાંતિ છોડકર સુખી અપને સે હો સકતા હૈ. એ દૂસરા સે ક્યા? દૂસરા ઉસકા દોષ ક્યા હૈ? દૂસરા ઉસકા દોષ ક્યા હૈ કે દૂસરા ઉસકો દુઃખ ટાળ સકે ને સુખી કર દે? સંયોગ કે સુખ હૈ? અનુકૂળ મિલા સુખ હૈ, વો તો વાત કરતે હૈ. અનુકૂળ મિલના સુખ માનના મુંડ મિથ્યાત દ્રષ્ટિ માનતા હૈ. અંદર ને અપના સ્વરૂપ કો ભૂલ કર મિથ્યા ભ્રમણા ને રાગ દ્વેષ કરતે હૈ દુઃખી હૈ, તો કરને વાળા અપના મિથ્યા ભ્રમ ને રાગદ્વેષ કારણ દુઃખી હૈ, તો જીસને ક્યા ઓર રાગદ્વેષ છોડ કર સુખી હો સકતે હૈ, દૂસરા ક્યા સુખી કરા સકતે હૈ? સમજ મેં આયા? મુસાવી પડ્યો છે, મગત તો માને છે, કરતા હૈ ક્યા હૈ? ભારે અભિમાની એક બધું હમારા હમારા સબકા કર દે, દેશ કા કર દે, એસા કર દે. અને ભૈયા શરૂઆત તો ઘરથી કરની પાછળ, મારે ડાયા ને દીકરી એવું બોલે હવે હવે પહેલી યા ફેર શરૂ કરના, પછી કથા આત્મ લેના, પછી કુટુંબ મેં, પછી નાચ મેં, પછી દેશ મેં, પછી ફલાણા મેં, પછી હો હો એમ ભાષણ, ભારે પણ ભાષણ કરનાર, હો ઊંટની જેમ બકનાર. ફોન કરે સાંભળને, આય તો આચાર મહારાજ કહેતે હૈ કે ભગવાન તેરી મૂડી મેં પૂંજી મેં રાગદ્વેષ બિલકુલ નહીં, અને દૂસરી ચીજ કે રાગદ્વેષ કરાવે એસી દૂસરી ચીજ મેં તાકાત નહીં. તુમ તેરા સ્વભાવ કા જ્ઞાતા પણા કો છોડકર અજ્ઞાન કે કારણ લંબી દૂરી ચલાતે હૈ. ઠીક હૈ યાર, ઠીક હૈ, એસા અનંત કાળ સે મંથન ક્યા તે રાગદ્વેષ કા. સમજ મેં આયા? આ હમારા અંગી હૈ તો ઉસકા અર્થ હુઆ કે ઇસસે સિવાય તેરા દ્વેષી શત્રુ હૈ. અંગી ને શત્રુ દુનિયા મેં કોઈ ચીજ હૈ હી નહીં. સમજ મેં આયા? કે દુઃખ કા કારણ ઓર દુસ્તર હોને, દુસ્તર ઓહો, એ રાગ દ્વેષ સે જો જૂલના હોતા હૈ ઉસકી દ્રષ્ટિ મેં વિકારી માલુમ પડતા હૈ, ઉસકા છોડના મહા દુસ્તર હૈ, તો રાગ દ્વેષ મેં ડૂબ જાતે અનાદિકાલ સે. અપના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા મેં ડૂબના ચાહીએ, જ્ઞાન આનંદ મેં અંતર આના ચાહીએ, ઓ છોડકર રાગ દ્વેષ મેં ઠીક હૈ ના ઠીક હૈ ઉસમે ડૂબ ગયા હૈ, દુસ્તર સમુદ્ર હો ગયા, ઉસે તિરના દુસ્તર હો ગયા. દુસ્તર કે દુસ્તર એટલે તરના મુશ્કેલ હો ગયા, દુસ્તર દુઃખ સ્વ સનો અવિસર થઈ ગયા, દુઃખે કરી તરના મહામુશ્કેલ હો ગયા.
समुद्र के समान संसार कहा गया है, उसमें अज्ञान से आए तो अज्ञान नहीं बात किया है। शरीर आदि को मैं देखो, शरीर में वाणी में ऐसी वाणी होने दुनिया को लाभ हो, भाषण करता बहुत आवे लोग को अनुभव हो, नाम देखे मान समझे हा 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 ये भी मारे हुए ने लाखों पांच में बैठे की भी भाषा करे आकर्षण थे बे क्या है तो जड़े बजा कहते हैं अज्ञान से शरीर में वाणी में आदि में आदि वाणी में भी प्रीति करते हैं कि ऐसी वाणी हो तो ठीक, समझ में आया, उससे दूसरी वाणी प्रति द्वेष आया बिना रहेगा ही नहीं, वो राग द्वेष अज्ञान का मूल है, समझ में आया, यही बात वही से बात यही बात है। साधारण राग द्वेष बात है, हर राग द्वेष नंजा में छोड़ दिया, राग द्वेष छूट गया, दूर में छूटा नहीं है, राग द्वेष छूटे आत्मा ज्ञान आनंद स्वभाव में विकल्प का उत्थान है ही नहीं, पर पदार्थ का तो त्रिकाल अभाव है, उसमें शुभाशुभ परिणाम उठते हैं उसका भी अभाव है, तो ऐसा ज्ञान में एकाग्र होकर विकल्प का पृथक करना वही आत्मा का हित का तरण उपाय है, दूसरा कोई तरण उपाय है नहीं, समझ में आया, दुस्त रही ने तरव मुश्किल से कीधुने तरण समझाया आचार घनी दुट गंभीर बात करते हैं। अज्ञान से शरीर आदि में शरीर ठीक हो तो बहुत परोपकार कर सकूं, सेवा कर सकूं, निरोग शरीर हो तो क्या मूड है, शरीर तो जड़ है उससे सेवा किसकी कर सकते, शरीर की क्रिया होती है जड़ की पर्याय है, वो पर्याय से तेरा कर्तव्य है, समझ में आया, तेरा कर्तव्य हो तो वो दो चीज एक हो जाती है, शरीर की पर्याय ना आत्मा एक हो जाता है, ऐसा एक है। अज्ञान से शरीर आदि वाणी आदि में मन आदि में एक मन भी है यहाँ आत्म भ्रांति से, आत्मभ्रांति ना उससे मेरे लाभ होगा, वही उसमें आत्मा माना, जिससे लाभ मानते हैं उसको एक माने बिना लाभ मान सकते नहीं, लंबा ही सिद्धांत तो समझे बराबर सिद्धांत, शरीर से मेरे को लाभ होगा धर्म का तो शरीर ने आत्मा एक माने बिना ऐसी मानता हो सकती नहीं, समझ में आया, बहुत भगत है हमारा, हम तो लाखों करोड़ों अब जो रुपया निकाल सकते हैं दुनिया पास है, दान दया कर सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, पर पैसा वाला पास हम पैसा निकाल देते हैं, मूड है ऐसे कहां से आ जाते, व्याख्यान कौन करते हैं, प्रसाद की जड़ की पर्याय है, जड़ की पर्याय से मैं दूसरा को लाभ करा सकता हूँ ऐसी है बात, तो जड़ को अपने माना बिना जड़ से पर को लाभ होता है उससे मेरे लाभ होता है, कि जड़ को अपने माना बिना ऐसी दृष्टि होती नहीं, समझ में आया, अमल पर की थी पहला समझे तेरे अमल के भाई ने, अमल ना किया कि जी मौल नाम मिथ्या भ्रांति करते हैं उसको समझना, उसका नाम अमल कहते हैं, मौल विज्ञान अमल, सम्यक श्रद्धा सम्यक ज्ञान करना और अमल, मिथ्या श्रद्धा आदि करना ही अमल में मुकने की ताकत है नहीं है? ये आचरण ही है, दूसरा क्या आचरण है, लटकता है आचरण, आचरण तो आत्मा में होता है, आत्मा का आचरण जड़ में होता है, माटी में होता है, अज्ञान से शरीर आदि में आत्म भ्रांति से अति दीर्घ काल तक अनंत संसार से अनंत काल तक रखते हैं,
इतनी से मानकर निरोल से मानकर बटाटा असल आलू ये सब जीव है अंदर में, वो भी त्यां राग अज्ञान से राग द्वेष से अपना शरीर मानकर अपना अव्यक्तपने अपना ही मानते पर को, समझ में आया? एक श्वास में हजार भाव करते हैं। निगोल बटाटा आलू कंदमूल है सब, ये अनंत जी एक श्वास में हजार भाव करते हैं। ये राग शरीर प्रति प्रेम एकत बुद्धि है, राग प्रति एकत बुद्धि है, वो कारण क्या भाव करते हैं। ऐसे साधु अने त्यागी होकर भी राग शुभ से मेरे लाभ होगा, राग से एकत बुद्धि मिथ्याद भाव है, वो मिथ्याद भाव परिभ्रमण का मूल है, समझ में आया? अति दीर्घ काल घूमता चक्कर काटता रहता है, इस वस्तु में प्रीति होने को राग देखो, अपना शिवाय दूसरी चीज में इष्ट मानना उसका ऊपर राग करते हैं मुंड, अनिष्ट वस्तु में अप्रीति होने को द्वेष कहते हैं। शरीर में रोग हुआ, निरोग हुआ ठीक है, क्या ठीक है ठीक है, झड़की पड़ी आए, झड़की पड़ी आए में तेरे ठीक ठीक कहां से आया, समझ में आया? सेवा करना हो तो परिणाम सारा रहे, शरीर में रोग हो वो रयावट करना रहा, मावजत करना रहा सरखा हो ना, मावजत करना रहा, मावजत जरी शरीर में बहुत रोग हो तो मावजत करना रहा, और ऐसा हवा पानी वाला मकान हो तो जरी परिणाम सारा रहे, मूंड है कहते के मूंड मारा इस पर के कारण तेरा परिणाम होता है, मिथ्या दृष्टि से आत्मा का खून किया है, समझ में आया? प्रेम तो धन गुड़ में धर्म पैसा न लेकिन धर्म तो चाहिए, समझ में आ किमचन भाई पैसा वाला से लेकिन बैठक के नहीं रहती एम कहता सावधानी करना ऐसा नहीं, 25 रुपया मगर नहीं महीने ये भाई में पड़ी कितनी इसमें क्या आचार्य कौन भारी बात करता हूँ शू के मान इष्ट उपदेश, इष्ट उपदेश बापू भाई तेरा आत्मा पर वस्तु में कोई भागला भाग पार कर कोई थोड़ा मां थोड़ी नानी चीज में भी वो मेरे प्रेम करने लायक है अथवा रक्षा करने लायक है तो दूसरी और रक्षा मां द्वेष करने लायक ऐसा हो गया तो इस भाव को मिथ्या भाव कहते हैं, इसका नाम विश्व उपदेश है, समझ में आया? और उसमें लाभ बना दे अनिश्च उपदेश दुष्ट उपदेश है, ये उपदेश दुष है, समझ में आया? हाँ, प्राणी भाव द्वारा ऐसा दुष्को कहे भैया हमारे भले एकाध दो भव करना पड़े पर दुनिया को लाभ हो तो हमारे भव करना पड़े, दुनिया को इतनी मिठास लगे, हाँ कहते मूंड है मिथ्या दृष्टि अनंत संसारी प्राणी है तुम, बराबर चले बेचारा बहुत भव क्या भव का राग करना ही ठीक है ऐसी मान्यता मिथ्या दृष्टि के है, उससे पर में निमित होना तीन काल में होता नहीं, समझ में आया? बाहर में कैसा मीठा लगे भैया हमारे दो भव करना पड़े तो अपन हरकत नहीं, पर दुनिया को अनुकूल करने को हमारा जन्म दुनिया का ओ लाखों मन का शास्त्रकार कहते हैं कि अपना खून करते हैं आत्मा का, समझ में आया? देखो ये वस्तु में प्रीति किया, अनिष्ट वस्तु में अप्रीति किया, समझ में आया? या तेरे से उसकी परियाई सुधर जाएगी,
उसकी योग्यता से सुधरती है। तुम्हारे क्या अभिमान है सहाया? भव करने का भाव तो राग करने का भाव हुआ, राग का फल भव करने का भाव तो द्वेष हुआ, समझ में आया? उससे विरुद्ध में द्वेष हुआ, करने में राग हुआ। और उनकी शक्ति व्यक्ति रूप से हमेशा प्रवृत्ति होती रहती है। राग वक्ते व्यक्तता रागनी द्वेषनी शक्ति, द्वेष वक्ते व्यक्तता द्वेषनी रागनी शक्ति। समझ में आया कि क्या कहते हैं? शक्ति युक्त हमेशा प्रवृत्ति होती रहती है। परिणाम में क्या? जिसका आत्मा ज्ञान दर्शन का स्वभाव है उसको छोड़कर पर का हित मैं कि पर का प्रेम करना राग ठीक है, तो मिथ्या दृष्टि का राग में व्यक्तता राग की है, शक्ति रूप में द्वेष पढ़ाई है। और हमारा विरोधी धर्म का उसको मारने का ठीक है, धर्म का विरोधी को मार डालना, ऐसा भाव द्वेष है। तो द्वेष में शरीर दूसरा प्रति का प्रेम दुख की शक्ति पड़ी है, दुश्मन है ही नहीं कुछ। समझ में आया? धर्म विद्वेषियों को तो छेदना नहीं भगवान, धर्म विद्वेषी कहे वो तो उसका परिणाम मिथ्या हो तो उसका धर्म द्वेषी उसका परिणाम में है। समझ में आया? छिदाई हो कोने छेद बोलता रहे, क्या करना है तेरे? शक्ति ने व्यक्ति रूप से हमेशा प्रवृत्ति होती रहती। देखो कहते हैं कि जब हमेशा ज्ञानी को ज्ञातापना कायम रहते हैं, सम्यक दृष्टि को तो ज्ञातापना ही कायम रहते हैं। राग आवे तो ज्ञाता, द्वेष हो तो ज्ञाता, ठीक है ठीक है ही नहीं। अज्ञानी को हमेशा राग द्वेष ठीक है ऐसा अज्ञान पड़ा उत्पन्न होता, हमेशा राग द्वेष की प्रवृत्ति में अपना मानते है। समझ में आया है? इसलिए आचार्यों ने इन दोनों की जोड़ी बतलाई है। ए मुन भाई बेन जोड़ी टूटी क्या? कौन है जोड़ी की थी तोड़े? मफत नो राग थी जोड़ी थी, राग गया तो टूटी गई। जब हुआ हुए क्या जोड़े थे तोड़े ने जो तोड़े थे जो पर की साथ राग की एकता जोड़े और राग की एकता तोड़े, दूसरा कौन तोड़ सकते है? बराबर आया दोनों की जोड़ी भक्त बतलाए, बाकी के दोष जोड़ी में शामिल। देखो शू कहते ऐसा जिसको बेभाग पार दिया ज्ञेय को और अपने ज्ञान में भी खंड कर दिया राग द्वेष ठीक है करने लायक है, तो ऐसा में सब दोष आ जाता है, मिथ्यात का अनंतानुमंदी का हास का भोग का सब कर्ता का भोगता का सब दोष उसमें समा जाते हैं। जैसा के कहा गया है लोडा कुआ में समझे ज्ञानावरण तो ज्ञानावरण श्लोक सुनने श्लोक आएगा ज्ञानावरण शास्त्र है ना वो शुभ चंद्राचार्य का उसका श्लोक है।